हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद अचम पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीएससी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के भाग 3 को शुरू करेंगे, यानी कि पार्ट 3 को शुरू करेंगे। और आज अपना चर्चा का विषय रहने वाला है 1.2 टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। एनसीईआरटी के 1.2 टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को आज अपन समझेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, देन उसके बाद अपन उसके प्रकारों को समझेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे परिवर्तन, ऐसे चेंज जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है या बनते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अथवा रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रसायनों से संबंधित जो अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस जो होते हैं, रसायनों यानी केमिकल से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस होते हैं, उन्हें अपन केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, रसायन किसे कहते हैं? तो रसायन से तात्पर्य रहे जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, है ना, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना, और भी बहुत सारे हो जाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, रसायन होते हैं। तो जब अपन आपस में इन रसायनों को क्या करते हैं, इनकी रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, क्या कराते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो उसी को ही अपन, उस प्रोसेस को ही अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपकी इतनी बात समझ में आई है तो अपन अब पढ़ते हैं अपने दूसरे बिंदु, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अपन अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए, अपनी एनसीईआरटी बुक में ये जो पांच लिख रखी हैं, ये पांच प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अपन को अध्ययन करना है, जिसमें से पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसे अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसे ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन कहते हैं। एक एक कर अपन इन सभी पांचों अभिक्रियाओं को समझने वाले हैं। आज अपन नंबर लगाएंगे संयोजन अभिक्रिया का। सबसे पहले अपन समझेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, 1.2.1 टॉपिक एनसीईआरटी का संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कितनी बात समझ में आई? देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक तो खूब सारे होंगे यानी रिएक्टेंट तो खूब सारे होंगे, लेकिन जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो कैसा होगा, सिंगल होगा। जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या सरल भाषा में समझ में आया? अब उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कोयले का दहन, है ना। आपसे कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा देते हुए इसके उदाहरण भी लिखो, है ना। तो उदाहरण में आप क्या लिखोगे, कोयले का दहन। कोयले के दहन की जो अभिक्रिया होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जो कार्बन होता है वो ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करता है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है, तब क्या आती है, CO2, है ना, गैस बनती है, और ये गैस ही कोयले का दहन कहलाता है। जैसे यानी जो कोयला होता है ना, काला काला कोयला होता है, कोयले को अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं ना, वो कोयला कार्बन ही होता है, वो जो कोयला होता है वो कार्बन होता है। और कार्बन को जब अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है ना। तो देखो, यहाँ पर अभिकारक दो थे, एक कार्बन था एक O2 था, दो अभिकारक हैं, कार्बन है और O2 है, लेकिन उत्पाद कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है, CO2। उत्पाद कितना बन रहा है, उत्पाद एक ही बन रहा है, CO2।
और ये गैसीय अवस्था में ये बता रहा है जी। बात समझ में आई? इसी तरीके से जल का निर्माण देख लो, इसमें एक अभिकारक जुड़ता है हाइड्रोजन, दूसरा अभिकारक जुड़ता है O2, लेकिन जो उत्पाद बनता है वो बनता है H2O, उत्पाद बनता है H2O, ठीक है। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बुझे हुए चूने का निर्माण, मतलब जो बुझा हुआ चूना जो होता है ना, उसका निर्माण कैसे होता है? अच्छा, बुझे हुए चूने को इंग्लिश में कहते हैं स्लेक्ट लाइम। क्या कहते हैं? स्लेक्ट लाइम। देखिए इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्लेक्ड, SLAKED, स्लेक्ड लाइम, LIME, ठीक है। ये तो क्या हुआ अपना स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? स्लेक्ड लाइम होता है बुझा हुआ चूना। क्या बात समझ में आई क्या? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। बुझे हुए चूना कैसा है? इसका बुझे हुए चूने का जो निर्माण होता है वो भी एक क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। देखो कैसे बुझे हुआ चूना कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है। अगर अपन को बुझा हुआ चूना चाहिए तो कैसे लाएंगे अपन? तो अपन ऐसे लाएंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। एक होता है बुझा हुआ चूना और एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। और जो बिना बुझा हुआ चूना होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है। बिना बुझे हुए चूने को इंग्लिश में कहते हैं क्विक, बिना बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं? बिना बुझे हुए चूने को कहते हैं क्विक, समझ लीजिएगा यहाँ पर, क्विक लाइम, क्विक लाइम। बिना बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं? क्विक लाइम। जब अपन क्विक लाइम में, यानी बिना बुझे हुए चूने के अंदर, जब हम क्विक लाइम यानी बिना बुझे हुए चूने के अंदर H2O मिलाते हैं यानी जल मिलाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? बुझा हुआ चूना मिल जाता है। तो हमें क्या मिल जाता है? बुझा हुआ चूना मिल जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, जो कि एक जलीय होता है, जलीय विलयन होता है ना। क्या मिल जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, यानी बुझा हुआ चूना मिल जाता है। और कुछ ऊष्मा भी मिलती है हमारे को इसमें। क्या मिलती है? ऊष्मा भी मिलती है। ऊष्मा का मतलब होता है हीट। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? हीट, यानी उसका जो तापमान होता है ना, उसमें वृद्धि हो जाती है, वो गर्म हो जाता है। जैसे कि एक फ्लास्क लोगे आप, फ्लास्क के अंदर पहले तो आप क्विक लाइम डालना। क्या डालना? क्विक लाइम यानी बिना बुझा हुआ चूना डालना, उसके अंदर पानी मिलाना, फिर उसको हिलाना। जैसे उसको हिलाओगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बन जाएगा, बुझा हुआ चूना का निर्माण हो जाएगा। और अगर आप फ्लास्क को नीचे से पकड़कर चेक करोगे, उस पर हाथ लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि वो गर्म हो गया है, यानी उसमें से हीट निकल रही है। क्या निकल रही है? हीट निकल रही है, यानी ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। तो इसमें ऊष्मा भी निकलती है, लेकिन आप देखेंगे एक संयोजन अभिक्रिया है कि दो अभिकारक मिल रहे हैं, एक मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, एक मिल रहा है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्साइड यानी जल मिल रहा है। दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे। क्या बना रहे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे। तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपन को क्या मिल रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये हो गया। एक आता है मैग्नीशियम फीते का दहन। ये तो अपन ने कितनी बार पढ़ लिया, पार्ट वन में भी मैंने इसका जिक्र किया था। क्रियाकलाप 1.1 जो है अपनी एनसीईआरटी की, उसमें मैग्नीशियम फीते का दहन है। उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है एक अभिकारक, O2 एक अभिकारक होता है, दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो उत्पाद कितना बन रहा है? सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, एकल उत्पाद बन रहा है, लेकिन अभिकारक दो हैं। अभिकारक कितने हैं? दो हैं। संयोजन अभिक्रिया यह है। अब संयोजन अभिक्रिया से ही रिलेटेड एक टॉपिक आता है, उसको समझने के लिए अपन को ये जो बुझा हुआ चूना है ना, इसमें थोड़ा इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये जो बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है वो कैसे होता है? अभी अभी मैंने बताया, बिना बुझा हुआ जो चूना होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसको H2O मिलाते हैं। जब इसके अंदर H2O के साथ इसकी अभिक्रिया होती है तो हमारे को बुझा हुआ चूना मिल जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, और ऊष्मा भी मिलती है। क्या मिलती है? ऊष्मा भी मिलती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो बुझा हुआ चूना होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका उपयोग क्या है? अरे भैया, हमने
बुझा हुआ चूना बना तो लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या करें, है ना? अब जैसे रोटी बना तो ली, लेकिन उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग क्या है, उसको खाते हैं अपन। इसी तरीके से अपन ने बुझा हुआ चूना बना तो लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर H2O मिला दिया, फिर हमने बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, लेकिन इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग मैंने यहाँ लिख रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। क्या होता है, अपने घर के अंदर अपन व्हाइट सफेदी कराते, पुट्टी वुट्टी कराते हैं, तो पुट्टी के अंदर क्या यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH2, CaOH2 और AQ लिख सकते हैं आप, अभिक्रिया के अंतर्गत लिखेंगे। लेकिन जब आप इसका इंडिविजुअली यानी पर्टिकुलरली आपसे पूछा जाए कि बुझा हुए चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, CaOH2, ठीक है, ये इस तरीके से आप लिखेंगे। तो जो अपन सफेदी करते हैं उसके अंदर बुझा हुआ चूना ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और एग्जाम में कभी कभार पूछ भी लिया जाता है, छोटे प्रश्नों के अंदर पूछा जाता है ज्यादातर। लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है, बिल्कुल आसानी से आसान भाषा में समझेंगे कैसे होता है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, जो जो अभी अभी अपन ने बनाया, ये जो सफेदी करने का अपन ने बताया ना, दीवार पे सफेदी करने का, तो अपन ने मान लो ये जो बुझा हुआ चूना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इसको अपन ने किसी दीवार पर क्या कर दिया, पोत दिया। अब दीवार में पोत दिया तो वायु में उपस्थित जो CO2 होती है ना, वायु में उपस्थित CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जो बुझा हुआ चूना है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, CO2 के साथ अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है, CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। कैसे करता है, धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। क्या कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। इस तरीके से होता है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। किस तरीके से होता है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण, इस रासायनिक अभिक्रिया से समझिए, ये जो रासायनिक समीकरण है इसे समझिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो बुझा हुआ चूना होता है, जब वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, धीमे धीमे अभिक्रिया करता है। और ये मैं आपको बता दूं, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसकी परत 2 या 3 दिन में जमती है। जैसे आपने अभी पोता, मान लीजिए बुझे हुए चूने की आपने अपने दीवार पर पोत दिया, है ना, तो आप सोचेंगे अब सर ने कहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमेगी, तो इस तरीके का काम नहीं करना है ना। कैल्शियम कार्बोनेट की परत कब जमेगी, 2 या 3 दिन में, क्योंकि यहाँ लिख रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। किससे, धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र यहाँ दे रखा है, रासायनिक सूत्र यहाँ दे रखा है CaCO3, और ये सॉलिड स्टेट में होता है यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O भी मिलता है हमारे को, प्लस इसके अंदर क्या बनता है, H2O भी मिलता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूँ, जो संगमरमर पाया जाता है ना, अपने पास जो संगमरमर होता है, उसका रासायनिक सूत्र भी क्या होता है, CaCO3 होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो एक अमेजिंग फैक्ट है आपके लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात भी है ना, कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में, किसमें, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाता है, और MCQ में क्वेश्चन आ जाता है कि संगमरमर का निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो आपको CaCO3 चुनना होगा उसके अंदर। बातें क्लियर हो रही है, बुझे हुए चूने का निर्माण, ये इससे ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए जो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, जो इम्पोर्टेंट है, इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक के अंदर रिलेटेड है सारी बातें जो मैं करवा रहा हूँ आपको। जो अपना फर्स्ट टॉपिक था, अपना जो फर्स्ट टॉपिक था जिसकी अपन ने आज शुरुआत की थी, उसी से रिलेटेड है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अपन अभी तक संयोजन अभिक्रिया जो है, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही पढ़ रहे हैं, बुक में जो दे रखा है उसी को ही पढ़ रहे हैं अपन, बस नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक एक सिंगल पॉइंट आपका छूटेगा नहीं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। इतनी बात क्लियर होती है, तो अब मेरी बात सुनिए, ऊष्माशेपी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। ऊष्माशेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसे
इंग्लिश में एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि ये ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, यानी उत्पाद तो बनता ही है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी हीट भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ले देकर अभी जो अपन ने बुझे हुए चूने का निर्माण देखा था कि बुझा हुआ चूना कैसे बनता है, तो उसके अंदर जो उसका रासायनिक समीकरण था उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। क्या हो रही थी? ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। तो ये एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी है। क्या होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में? क्या होता है, उत्पाद तो बनता ही है जब दो अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं। तो यहां तक तो ठीक था। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो जाती है वो, कि जब उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही हो। जैसे अपन ने जार लिया था, जार के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया था, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था ना बिना बुझा हुआ चूना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड था जो क्विक लाइम जो था उसको अपन ने डाला था किसके अंदर, जार के अंदर, फिर उसमें पानी डाला, फिर उसको हिलाया, हिलाकर क्या बन गया वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया यानी बुझा हुआ चूना बन गया, यानी स्लेक्ड लाइम बन गया। क्या बन गया? स्लेक्ड लाइम बन गया। तो स्लेक्ड लाइम बन गया और वहां पर तापमान भी उत्पन्न हो गया था, आप देखेंगे तो हीट भी निकल रही थी। तो वो जो हीट निकल रही थी वो ये परिचायक है इस चीज का कि वो एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, अगर प्राकृतिक गैस का आप दहन करते हैं, प्राकृतिक गैस ये माने बोले तो मेथेन, मेथेन जो गैस होती है ना, मेथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CH4। मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4। जब आप CH4 गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो ये हमारे को CO2 तो देती है, H2O गैस भी निकलती है इसमें से, लेकिन इसमें से ऊर्जा भी बाहर आती है। क्या आती है? ऊर्जा भी बाहर आती है। तो आपको इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। कभी कभार जब आपको बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो वहां पर आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिख कर आएंगे तो 100 मार्क्स मिलेंगे। क्या बातें क्लियर हुई? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हुई। इसके दो तीन और उदाहरण देख लो जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया से, कि क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है ना? क्या आप जानते हैं कि जो श्वसन है एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? श्वसन क्या होता है? सांस लेना। श्वसन क्या होता है? सांस लेना। तो क्या ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमने क्या समझा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से तात्पर्य है कि इसमें उत्पाद तो बनता ही है जब दो अभिकारक मिलकर उत्पाद तो बनाते ही है, लेकिन उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है यानी हीट भी निकलती है, तो वो एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो देखो मैं आपको श्वसन का मतलब समझाऊंगा, उसको समझना ढंग से कि इस प्रश्न का एग्जाम में उत्तर आप कैसे लिखेंगे। देखिए, पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थ में जो पोषक तत्व है यानी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टूटता है एग्जैक्टली में। तो आप यहाँ पर जो रेड रेड है ना उसको भी आप लिख सकते हैं, या मैंने ये जो ब्राउन से लिख रखा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन यहां पर अगर आप इसको देखेंगे सिर्फ रेड रेड को पढ़ेंगे तो देखो इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि पाचन क्रिया के समय कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, अब आप समझ रहे हो कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है यानी कि खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं ना, तो पाचन क्रिया के समय कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय जैसे अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो अपने जैसे अपन ने चावल खाया, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और टूटने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब ये जो ग्लूकोज होता है ना साहब, अब ये जो ग्लूकोज होता है ये हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाओं में ऊपर से जो ऑक्सीजन होता है उससे मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है, उससे मिलकर क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, और इसी अभिक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या बातों को समझ पा रहे हैं आप? मैंने कहा पाचन क्रिया के समय, मैंने कहा पाचन क्रिया के समय कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ये जो ग्लूकोज होता है ना कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देता है, ऊर्जा बना देता है।
ठीक है। इस अभिक्रिया को मैंने ये रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर रखा है, आप इसको देखिए। ये ग्लूकोज है अपना, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है ना। जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? एक तो 6CO2 बनता है, H2O भी बनता है और ऊर्जा भी बनती है। और इस ऊर्जा का उपयोग अपन अपने दैनिक जीवन में करते हैं, है ना। इस ऊर्जा का उपयोग अपन अपने दैनिक जीवन में जितने भी अपने कार्य होते हैं उनको संपन्न करने में करते हैं, ठीक है। चाहे वो पेंसिल उठाने से लेकर बैग उठाने या फिर किसी मशीन को धक्का मारने तक की जितनी भी ऊर्जा लगती है, वो सब ऊर्जा अपन को इसी प्रोसेस से मिलती है ना। अपन खाते हैं, अपने खाने के बाद अपने जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो छोटे छोटे भागों में टूटते हैं और टूटने से क्या बनते हैं? ग्लूकोज बनता है। और वो ग्लूकोज कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके वो ऊर्जा का निर्माण करता है। ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बहुत अच्छे तरीके से अपन ने इसका जवाब दिया। एक लास्ट बात और इम्पोर्टेंट बात यहाँ आती है कि शाक सब्जियों यानी वनस्पति जो पदार्थ होते हैं, है ना, वनस्पति पदार्थ यानी जो पेड़ पौधों से मिलते हैं, ऐसे पदार्थ जो पेड़ पौधों से मिलते हैं वनस्पति पदार्थ कहलाते हैं। तो शाक सब्जियां या वनस्पति पदार्थ का विघटित होकर जब ये विघटित यानी ये भी टूटते हैं तो क्या बनती? खाद बनना। क्या बनती है? खाद बनना, खाद बनती है। और वो जो खाद बनती है ना, इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कि शाक सब्जियों का विघटित होकर खाद बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ये बात अपन ने पूरा कंप्लीट करा। आज का जो टॉपिक अपन ने लिया था बड़े ही अच्छे तरीके से अपन ने उसको कंप्लीट करा है। आज का टॉपिक था अपना संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अपन ने जाना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, जल का निर्माण, बुझे हुए चूने का निर्माण, मैग्नीशियम फीते का दहन। फिर हमने थोड़ी बात जानी किसके बारे में? बुझे हुए चूने के निर्माण के बारे में, कि इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है और ऊष्मा भी देता है, ठीक है। हमने जाना कि बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है, तो हमने जाना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। फिर हमने जाना कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है, तो हमने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से जब अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और जल भी बनता है। और इसी के साथ साथ हमने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जाना कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है? CaCO3 होता है। बातें क्लियर हुई? संगमरमर का रासायनिक सूत्र अपन ने चर्चा की। फिर उसके बाद हमने जाना ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी हीट भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बुझे हुए चूने का निर्माण की अभिक्रिया, प्राकृतिक गैस का दहन यानी मिथेन गैस का दहन, और श्वसन की अभिक्रिया, और शाक सब्जियों का विघटित होकर खाद बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यह आपको याद रखना है। शाक सब्जियों यानी वनस्पति पदार्थ का विघटित होकर, यह आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि वनस्पति पदार्थ का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपका एक ऑप्शन होगा ऊष्माक्षेपी, उस पर आपको टिक कर आना है और अपना जवाब सही देकर आना है। तो यहाँ अपन ने अपने पहले टॉपिक को कंप्लीट करा। अगली वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और आपके अगर आपको अच्छा लगा हो तो कुछ अच्छे अच्छे कमेंट छोड़कर जाना, उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगा हो तो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।